आउटपुट लेके आया था आप। अंपायर को हम कभी आर्गू नहीं करते। जेम्स ब्रो 49 पे आउट होते हुए जीतेगा हारेगा तो वो तो बात का बात है, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाया। So guys, welcome to my channel. This is me, Tachidoya, Kigas, Cricket Never Sleep, and this is Lika Sonia. तो आज हम लोग का है सीरीज मैच अगेंस्ट पता नहीं कुछ पता नहीं है हमको कुछ पता नहीं है यहाँ अभी बेंगलोर में घर से दूर कुछ अता पता नहीं है बस तारफ में सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए इतना दूर से आया है। ये वाला मैच जो इसलिए स्पेशल है और इसलिए ब्लॉग बना रहा है क्योंकि 50 ओवर का टीम मैच होगा, तो इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सीरीज जिसमें यू नो आपका मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है। तो दैट्स ऑल गाइस, ज़्यादा बात नहीं करें, आपको डायरेक्ट ग्राउंड में मिलते हैं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट क्लिप, किकर्स क्रिकेट नेवर स्लीप। तो फाइनली गाइस वी आर हियर, ये वारा वारा। सो दिस इज द ग्राउंड, आप देख सकते हैं वारा सॉलिड ग्राउंड और इट्स अ डिफरेंट फीलिंग यू नो कि आप एज अरुणाचली आप तारफ पिच देख रहे हैं उसमें खेल रहा है, वो अलग ही बात है भाई। मेरा ये चैनल को खोलने का कहीं ना कहीं मोटो ये है कि दैट जितना मेरा नॉलेज होगा रिगार्डिंग क्रिकेट एंड लाइफ हम आपको देगा, दैट आपका लाइफ में थोड़ा होने से भी 1% होने से भी थोड़ा कुछ हेल्प मिल जाओ। या दोस्त पिच कैसा है थोड़ा हो जाए, क्या लगता है दोस्त पिच कैसा है? ना स्पिन है ना कुछ है, यहाँ में जो जो भी जैसे भी डालेगा यहाँ बैट्समैन के लिए तकलीफ हो। दोस्त का अलग ही व्यू है, मेरा तो अलग है। स्पीच उच गोली मारा हुआ, अभी बारिश आएगा वही लग रहा है हमको। दोस्त बारिश आएगा तो अपना ओला का 400 रुपया गया, फिर जाने का भी देना है, क्या बोलेगा? तो आज हम फर्स्ट टाइम हम सोचा है कि हम ओला यूज करेगा, तो मेरा जो दो पार्टनर है अजीत मनोज उसका साथ हम नहीं आया है आज। आज मेरा नया पार्टनर है सोनिया छोटू। तो हम क्या बोल रहा था, आया सुबह हम फर्स्ट टाइम ओला यूज़ किया है तो हम सोचा है कि चलो ऑटो से जाए क्योंकि ऑटो में दिखा रहा था 250। तो हम सोनिया को बोला है तो सोनिया एज यूजुअल हम लोग का जो अरुणाचल आदमी है वो थोड़ा ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऑटो में जाएगा ऐसा रिएक्शन है। तो वो सब स्टार्टिंग में होता है लेकिन जब आप सिटी में बैठता है धीरे धीरे आपका दिमाग जो इकोनॉमिक चलने स्टार्ट हो जाता है, एक एक पैसा का आपको हिसाब चाहिए होता है क्योंकि आप घर से इतना दूर आ रहा है एंड या मैं आप हर बार जहाँ 100 देना है वहाँ 200 देगा, जहाँ 50 देना है वहाँ 100 देगा, तो ऐसे कर करके अगर मोटा मोटी पकड़ लो कि आपका जो मंथली जो आपका क्या बोलते हैं खर्चा है वो अगर आपका 5000 आ रहा है तो देट मीन्स आपका उसमें 2500 आप ऐसे ही दिया है एक्स्ट्रा। तो इसको आप ईगो बोलो या आप ज़्यादा पैसा हो गया बोलो, बट वो 2500 तो वेस्ट तो है ना। फिर वो 2500 का आप 2 महीना में आप उसको कन्वर्ट करो, 2 महीने में 10,000 हो गया, दैट मीन्स 5,000 आप ऐसे ही दिया है। तो इसीलिए जहाँ 2 रुपया देना है वहाँ 4 रुपया मान दो। तो हम वही बोल रहा था कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल सोनिया हम दोनों आया है मिनी ओला में और ये लोग आया है ऑटो में, तो आया तो सेम ग्राउंड में ही है एंड पहुँचा ही है, बट पैसा जो थोड़ा 100 रुपये का जो फर्क जो हो गया पैसा बचा है दोस्त। हाँ, तो दैट मीन्स अगर आप ये ग्राउंड में 10 बार आता है तो आपका 1000 रुपीज़ बचता है अगर आप ऑटो में आता है। तो वही हम बताने चाह रहा था कि थोड़ा सिटी लाइफ में आपको थोड़ा इकोनॉमिक से आपको चलना है। यहाँ पे अरुणाचल हल्क आते हुए वॉकिंग स्टाइल देख लीजिए, किसी से डरता नहीं है एकदम, वो उसका सिग्नेचर पोज है। खेलने आए वीकेसीए ग्राउंड में अल्पाइन टीम का सर। क्या लगता है जीतेगा ना हारेगा? जीतेगा हारेगा तो वो तो बात का बात है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मैच भी होगा क्योंकि बारिश आने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर क्लाउड मेरा पीछे, आप देख सकते हैं काला काला बादल उधर दिखाई दे रहा होगा सब लोग। मतलब बोलने का मतलब वो है कि अपना ओला का पैसा वेस्ट चला गया, अभी जाने का भी देना है गला। कभी कभी तो लगता है यार सिटी में बैठ बैठ के ओला जा जाके मतलब गाड़ी का जो प्राइस है ना वही निकल जाएगा लगता है। दोस्त जोन दोस्त पिच कैसा है, लग रहा है रनिंग ट्रैक सीम ट्रैक क्या है बाउंसी क्या लगता है दोस्त? बीच बीच में करता है खत ज्यादा का बॉल पेस में ना खत ज्यादा बॉल स्पिनर में, अगर अच्छा स्पिनर होगा तो एक एक जगह में लगातार डालने से बॉल एल वाला टर्न मिलेगा, एल वाला स्क्वायर 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 क्या बोलते हैं उसको स्क्वायर टर्नर।
कल हम लोग को सर सिखाए, आनंद सर सिखाए स्क्वायर टर्नर, जहाँ में बॉल बोर्ड टर्न होता है। सोचा कल खा दिया हमको ये वाला भाई। कल सोचा का एक बॉल हम डिफेंस करने गया स्पिन रहेगा बोल के, ऐसे गया ही था, मतलब ऐसे गया ही था, मतलब बॉल गायब हो गया। उसका कीपर वाला भाई हमको बता रहा है कि भैया आप बोल्ड हो गया। हम पूछा है कौन सा स्टाम्प, भाई बोलते हैं ऑफ स्टाम्प। क्या मैं बोलूं यार, कल का तो बहुत टफ था यार। मेरा सोनिया दोस्त को एक कॉम्प्लेन बोला है, सब लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा मेरा वीडियो में, हर बॉल आपका पेट में लगने से आप आउट नहीं बोलते बोला सब लोग। क्या कहना चाहते हैं दोस्त, थोड़ा मैच्योरली हैंडल करने से अच्छा लगेगा। इसको काट देगा ये वाला लाइन को काट देगा मत का तो ऐसे ही रखो ऐसे रहो। चलो बोलो दोस्त, बोलो दिल का बात बोलो। हर बॉलर को लगता है कि वो आउट है, हाँ ये सही है, और हर बैट्समैन को लगता है कि वो आउट है। और एम्पायर दोस्त, एम्पायर जो जब बोलता है कि ये बॉलर भी हर बॉल को आउट है बोलता है, तो नहीं नहीं अंपायर कभी ऐसे नहीं बोलता। अरे तो बोला है बोल के बता रहे ना, नहीं, हम रिपोर्टर है ना, हम वो क्या बोलते हैं उसको सबूत, सबूत सबूत लेके आया था। अंपायर को हम कभी आर्गू नहीं करते, हम चिल्ला था आउट दिया मतलब दिया, लेकिन तब आर्गू करता है जब अंपायर जो ओपोजिशन टीम का बैटिंग टीम से ही हो। ये तो बहुत लोकल वाला भी किया रे। एक क्वेश्चन पूछा था, कहा लोकल तक ले गए, लोकल मतलब अरुणाचल का जो कुछ कुछ हुआ था उसको इनडायरेक्टली बात किया, हमको अच्छा नहीं लगा रे। तो हम लोग एक मैच खेला था एएम में अपना आरजीओ ग्राउंड में, पीस पीस उसमें एक कुछ वाक्य हुआ था, उसको ये हमको याद दिलाया, हम अच्छा नहीं लगा। आजकल यही चल रहा है, पीस टफ है, टफ है, बहुत टफ है। तो मेरा सोनिया दोस्त हमको बोला है कि चलो दोस्त वॉक करके आएगा, एंड मेरा दोस्त का चाल देखो, वॉक करके हम लोग पहुंचा है। ओह दोस्त तुम टफ है रे, सही बोला रे, तब तो हम कच्चा कच्चा ला तोड़ लेगा। तो अमरूद में आई लाइक ईटिंग कच्चा कच्चा, तो सुको ना तुम के लिए हमको वीडियो बना बोल के गला अमरूद तोड़ने में लिया गया। आई अब बकना पड़ेगा यार। छोटा में हम बहुत, मेरा सेक्टर में हम बहुत चोरी किया है, ये आज हम खुलासा कर रहे हैं। तो मजा ब्रोकर टू नया ब्लॉगर है, मैंने टिप्स दे दिया था कल रात, ऐसा ब्लॉगिंग करो वैसा करो, नया नया जब ब्लॉगिंग करता है ना आदमी बहुत जोश में होता है। यार लोगों तीन रात सोने ही नहीं दिए, सब्सक्राइब करो शेयर करो ये करो वो करो फलाना फलाना, ये माता खराब। फिर भी 26 व्यू से ज्यादा आए, पहला दिन सोने ही नहीं दिया, खाना करो, खाना खाने से भी बोलता है भाई एडिट कर रहा है, टॉयलेट घुसने से, टॉयलेट घुसने जब घुसने कर रहा था, तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट जब घुसने कर रहा था तब बोलता है भाई दवाई है ना। मैं एक सुबह उठा ना तो भैया जो ऐसे देखा मैं क्या हो गया था, तू शेयर क्यों नहीं किया। नहीं लेकिन एज बीइंग अ यूट्यूबर अब सच बोलेगा, जब को शेयर करता है बहुत अच्छा लगता है। तब मैं सोचा ये मैंने क्या कर दिया। अरे जाएगा रे, तुम लोग बात बात को मार डालो, बोलो हम तो डाल देगा गला उसका, यंग बॉय अगर तुम हैंडल कर लो गला दोस्त, ये सोना भी है सोना, तो हमको उस रात ही बोला डायरेक्ट, जबकि सोना इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है लेकिन वो थोड़ा मालूम है, वो वीडियो जो डालते हैं तो वो स्टार्टिंग में वो भी थोड़ा एक्साइटेड था होगा, तो यंगफू भाई को देख के वही बोला था बस दो दिन। बस दो दिन चलेगा ये। और वैसे ही हुआ, नहीं वैसे ही हुआ। सच बोल रहा सच, यूट्यूब तो पार्ट टाइम आप नहीं कर सकता है, आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, इसलिए आप अगर एक फील्ड में अगर आप सीरियस है, जैसे क्रिकेट हो गया हम बहुत सीरियस है, तो हम भी ट्राई किया था हमसे नहीं हो पाया, जबकि हम इतना एडिट में अच्छा है, एंड मेरा पास तो सर्टिफिकेट भी है डायरेक्शन का मूवी मेकिंग का, फिर भी हम बोर हो जाते हैं, तो नया के लिए तो बहुत तकलीफ होगा ना। वेदर रिपोर्ट जो सही बोला, अभी धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है वेदर, अच्छा है यहाँ का तो, बेंगलोर का वेदर तो दार है, क्या बोलेगा यार, टपा टप है, ऐसे लगा कि हम इंग्लैंड आ गए, हम लोग का वहाँ पे गर्म है और ठंडा है, उल्टा है, ये सही बोला। तो हम लोग के साथ जिसका मैच है वो लोग किए है, जो भी बोलो ये लोगों को भगवान कुछ दिया ना दिया हो, लेकिन हाइट
बहुत अच्छा दिया। हर कोई बोलता है कि जब भी आप अपना अपना घर से बाहर निकलते हो तो दुनिया चूटिया होता है, लेकिन यार बेंगलोर में तो साला वेदर ही चूटिया है गला। आप भी एकदम सुबह चकाचक एकदम क्या बोले काला काला बादल था, और आप भी देखो धूप ऐसा आ रहा है कि अब भी हम लोग को पकाएगा लग रहा है। हम तो पकी गए, हाफ बॉयल हो गया, अभी टॉस होने वाला है अपना, टॉस जितने से बैटिंग लो बोला है। इतना ज्यादा लगाएगा साला, ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा खोलो बोला है तो पूरा आईना दिख रहा है। ब्लॉगिंग कर सकते ये वाला पार्ट में हम बैकग्राउंड में गाना डाल देगा, सुन लो आप लोग ना, अच्छा वाला डालेगा एकदम चकाचक वाला। हो चेहरा है या चांद किला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। थैंक यू, वेलकम भाई लिंचो हाल पे आतो। सो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है एंड हम लोग टॉस जीत के बैटिंग लिया है, तो हम लोग का बैटिंग अभी चल रहा है, दो विकेट गिर चुका है, उसमें से एक मैं हूँ और मेरा साथ गया था यंग फू भैया। भैया आज का क्या एक आप लेसन देना चाहता है? पहला बोल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यॉर्कर आएगा बोलकर। लेसन क्या देना चाहता है? कि वही है कि हर बॉल तैयार होके जाना चाहिए, कुछ भी बॉल आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बाउंसर इन स्विंग आउट स्विंग, पहला बॉल एकदम पहला बॉल आउट होने के बाद में बैठना कैसा लगता है, अभी फीलिंग को समझ रहा है, बोटलों का फीलिंग को समझ रहा है हम। अगर पहला बॉल आउट होता है तो उसका बाद दुखी होके ऐसा बैठने जाना है, दूसरा काम है पानी पिलाना है, एकदम अच्छा से पिलाइए, वो अपना एक होता है कि आउट हो गया दुखी उखी हो गया वो बहुत इनमेच्योर काम है, एकदम आप आउट हो गया तो उसका पानी अच्छा से पिलाइए, पानी अच्छा से पिलाइए, शेरिंग भाई है हम इसको अच्छा से पानी पिलाएंगे। इलेक्ट्रोल बनाइए पानी पिलाइए, चेयर कीजिए अपना मेट लोग को चेयर कीजिए भैया। चश्मा में बहुत हैंडसम लग रहा है, कल ही आया फ्लिपकार्ट से मंगाया था, यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक ही दिन में डिलीवरी हो जाता है कुछ भी मंगा लो। बेंगलोर का ये चीज़ तो अच्छा है। कैसा लग रहा है तोरा बताओ, हाँ सब लोग जो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करो यंगपू ब्रो कैसा लग रहा है इस चश्मा में, कल तो किसी को चश्मा चुने नहीं दिया। नहीं चश्मा जो तोरा पर्सनल चीज होता है ना, चश्मा नेल कटर कैंची सब पर्सनल चीज है, उसको जहाँ तक नहीं मांगता है। और पीस सही बोला है, क्या है यार 50 मिस कर दिया यार, तेरा मुंह काला है। एक वर्ड जेंस भैया के लिए ए बोलो, बोला था आज तो मौका था, बोला आराम से भी खेलो राज, गाड़ी में राम हम दोनों को तो चोरी है नहीं तू कहीं नहीं वो डाल के यहां पे जेंस ब्रो 49 पे आउट होते हुए। तो गाइस हम लोग का फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका है एंड अपना टारगेट है 298। तो लेट्स सी क्या होगा अभी हम लोग मैच जीते हैं कि नहीं। ये स्पिनर ट्रैक है, दैट्स व्हाई वी आर प्लेइंग विद फोर स्पिनर्स,
आज स्पिनर सब स्पिनर है आज। शॉट रहा Finally, we have won our match. तो वो लोग ऑल आउट हुआ है 153 में एंड 27 ओवर में एंड आज का मैन ऑफ द मैच है लिचा जॉन। तो दोस्त कितना रन मारा है आज? 82 रन मारा है। 88 मारा है। चश्मा और मेडल का कलर पूरा सेम है, तो क्या बोलना चाहेगा ये रन जो मारा है आज? सेंचुरी मिस हो गया और हम पहला बॉल में डक हो गया। होता है होता है, बड़ा बड़ा प्लेयर आउट होता है। 12 रन से मिस हो गया, बहुत दुख लग रहा है बस वही है। और अपना टीम के लिए जितना वो किया वही हमको खुश है बस, अपना सेंचुरी से ज़्यादा अपना टीम के लिए। बहुत अच्छा खेला जॉन, बट आप फील्डिंग के बारे क्या बोलना चाहेंगे? हाँ फील्डिंग के बारे की, ये तो बहुत बड़ा छोड़ दिया। फील्डिंग में थोड़ा क्या है कि आजकल खा रहा है सो रहा है, इसका कारण से थोड़ा बदन जो ले उसको वर्क करेंगे जरूर, नेक्स्ट मैच में इससे बेहतर होगा 100%। और आज लिका सोनिया 3 विकेट लिया है, 60 ओवर फेंका, 27 रन, क्या बोलना चाहता है दोस्त? बोलना कुछ नहीं है बस सब अच्छा। अरे अपना बॉलिंग का कुछ तो बताओ ना, जैसे पिच अच्छा था सपोर्ट किया हो मैं ये वो वगैरह, टीम को इतना सपोर्टिव नहीं था, विन जो सपोर्ट था आज का विन तो क्या बोलेगा माशाल्लाह। उस हेड से हम जब डाला था वहाँ से बॉल ड्रिप हो रहा था, वहाँ से हमको ड्रिप का वजह से टीम मिले, तो इस हेड से कैसा लग रहा है? अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा, कुछ नया पोजीशन में और कुछ कमाल नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो कुछ कमाल करेंगे उस पोजीशन में भी। ठीक है, आज डेब्यू बॉलिंग हुआ बेंगलोर में और सबसे घटिया बॉल में विकेट मिला है, क्या कहना है दोस्त? बॉल घटिया नहीं था, बहुत अच्छा अच्छा बॉल बता दो तो राम भाई, बॉल अच्छा था लगा था। वो बैट्समैन भी बहुत अच्छा बैट्समैन था, बाकी लोग कोई आउट नहीं कर सका हमको छोड़ के। हां वो भी है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, ज्यादा गहराई में जाना, मेरा ब्लॉक लंबा हो जाएगा ब्लॉक। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर नया जगह जाता है स्टार्टिंग में यू नो आपको थोड़ा लगेगा कि आदमी आपको बहुत जज कर रहा है एंड आपको एक कंफर्टेबल एक फील नहीं आएगा, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये ठीक जगह नहीं है, यहाँ का आदमी ठीक नहीं है, वो डोमिनेट है ये वो वगैरह वगैरह। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि धीरे धीरे टाइम के साथ सब अच्छा हो जाता है। तो आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं यू कैन गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड, बट दिल्ली मत जाओ, मतलब क्या दिल्ली भी थोड़ा सा टफ सिटी है, बट उसमें भी आई थिंक टाइम का साथ चल जाएगा। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म करता है, अभी यहाँ से ओला लेके घर वापस जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, सी कैस क्रिकेट नेवर स्लिप।